वो परमवीर मेजर जो मरने तक अपने पैरों से मशीन गन चलाते रहे, वो थे मेजर परमवीर चक्र शैतान सिंह। 18 नवंबर 1962 सुबह होने को थी, बर्फीला धुंधकाल का पसरा था, सूरज 17,000 फीट की ऊंचाई तक अभी तक नहीं चढ़ सका। लद्दाख में ठंडी की ओर कलेजा जमा देने वाली हवाएं चल रही थी। यहाँ पर सीमा पर भारत के पहरेदार मौजूद थे। 13 कुमाऊं बटालियन सी कंपनी चेसूल सेक्टर में तैनात थी। बटालियन में 120 जवान थे जिनके पास इस पिघला देने वाली ठंड से बचने के लिए कुछ भी नहीं था। वो इस माहौल के लिए नए थे, उनके पास पहले से ही कुछ ऐसा नहीं था। इससे पहले उन्होंने इस तरह की बर्फ के बीच रहने का कोई भी अनुभव नहीं किया था। तभी सुबह के धुंधकाल में रजिंगला पर चीन की तरफ से कुछ हलचल शुरू हुई। बटालियन के जवानों ने देखा कि उनकी तरफ रोशनी के गोले चले आ रहे हैं टिमटिमाते हुए। बटालियन के मेजर शैतान सिंह थे, उन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए। थोड़ी देर बाद ही उन्हें पता चला कि रोशनी के गोले असल में लालटेन है। इन्हें कई सारे याक के गले में बांधकर और उन्हें लटकाकर चीन की सेना ने भारत की तरफ भेजा था। ये एक चाल थी, अक्साई चीन को लेकर चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। मेजर शैतान सिंह इसको देख रहे थे। चीनी सेना पूरी तरह से तैयार थी, ठंड से लड़ने की उन्हें आदत थी और उनके पास पर्याप्त हथियार भी थे, जबकि भारतीय टुकड़ी के पास 300-400 राउंड गोलियां और 1,000 हथगोले थे। बंदूक भी ऐसी की जो एक बार में एक ही फायर करती थी। इन्हें दूसरे वर्ल्ड वार के बाद बेकार घोषित कर दिया गया था। चीन को इस बात की जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने टुकड़े की गोलियां खत्म करने के लिए चाल चली थी। चीन के सैनिक ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस पर सीनियर अधिकारी से बात की मदद मांगी। सीनियर ऑफिसरों ने कहा कि अभी मदद नहीं पहुंचाई जा सकती, आप चौकी छोड़कर पीछे हट जाए और अपने साथियों की जान बचाए। मेजर इसके लिए तैयार नहीं थे। चौकी छोड़ने का मतलब था हार मानना। उन्होंने अपनी टुकड़ी के एक साथ छोटी छोटी मीटिंग की, सियाचिन की ब्रीफिंग दी, कहा कि अगर कोई पीछे हटना चाहता है तो वे हट सकता है, लेकिन हम लड़ेंगे। गोलियां कम थी, ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। चीन से लड़ पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन बटालियन के अपने मेजर के फैसले पर उन्हें भरोसा दिखाया। दूसरी तरफ से तोपों व मोर्टर का हमला शुरू हो गया। चीन के सैनिक से ये 120 जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक एक जवान ने लहू लिया। इन्हीं के लिए कवि प्रदीप ने लिखा, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिरकर होश गंवा के, जब अंत समा आए तो कह गए हम चलते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफ़र करते हैं। ज़्यादातर जवान शहीद हो गए और बहुत से जवान बुरी तरह से घायल हो गए। मेजर खून से लथपथ थे, सने हुए थे। दो सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए। मेडिकल हेल्प वहाँ मौजूद नहीं थी, इसके लिए बर्फीली पहाड़ियों से नीचे उतरना पड़ता था। मेजर से सैनिकों ने मेडिकल हेल्प लेने की बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि एक मशीन गन लेकर आओ। मशीन गन आ गई। उन्होंने कहा कि गन के ट्रिगर को रस्सी से मेरे एक पैर से बांध दो। उनके दोनों हाथ लथपथ थे। उन्होंने रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग करनी शुरू कर दी। उन्होंने दोनों जवानों से कहा कि सीनियर ऑफिसर से फिर से संपर्क करो। दोनों सैनिक वहां से चले गए। मेजर वहां लड़ते रहे। बाद में उनके बारे में कुछ पता नहीं चला।
तीन महीने बाद जब बर्फिंगली और रेड क्रॉस सोसाइटी और सेना के जवानों ने उन्हें खोजना शुरू कर दिया, तब एक गडरिए ने बताया कि एक चट्टान के नीचे कोई दिख रहा है। लोग उस चट्टान के नीचे पहुंचे जहां मेजर ने मशीन गन से चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। उस जगह उनका शव मशीन गन के साथ मिला। पैरों में अब भी रस्सी बंधी थी। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था। पता नहीं कितनी देर तक वो चीनी सैनिक से लड़ते रहे और कब बर्फ ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया था। उनके साथ उनके टुकड़े के 114 जवानों के शव भी मिले। बाकी लोगों को चीन ने बंदी बना लिया था। हालांकि भारत युद्ध हार गया था, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज़्यादा नुकसान रेजिंग लापरवाही था। चीन के करीब 1800 सैनिक इस युद्ध में मारे गए थे। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया था। बाद में मेजर शैतान सिंह उनके होम टाउन जोधपुर में राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद उन्हें देश का सबसे बड़ा वीरता परमवीर चक्र मिला। ये थे मेजर शैतान सिंह, जिनका नाम सुनकर आज भी चीन की सेना कांप जाती है। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को हुआ था और मृत्यु 18 नवंबर 1962। भारतीय सेना के एक अधिकारी थे। इन्होंने का वर्ष 1963 में मरणोपरांत परमवीर चक्र द्वारा सम्मान किया गया। इनका निधन 1962 के भारतीय चीन युद्ध में हुआ। इन्होंने अपने वतन के लिए काफ़ी संघर्ष किया था, लेकिन अंत में शहीद हो गए तथा भारत के देश का नाम रोशन कर गए। मेजर शैतान सिंह ने 120 जवानों के दम पर चीन की विशाल सेना का सामना किया था। मेजर शैतान सिंह भाटी का जन्म 1 दिसंबर 1924 को जोधपुर राजस्थान में हुआ था। उनका संबंध सैन्य परिवार से था। उनके पिता आर्मी अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भाटी थे। हेम सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में भारतीय सेना के साथ सेवा की और ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के सम्मानित भी किए गए थे। ये थे मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने भारत का नाम रोशन कर दिया।